अभी कांवड़ यात्रा में हमने खिदमत किया है, बहुत अच्छा, बच्चों ने अपने ऊपर से भी खर्च किया है ताकि कांवड़ यात्रा साथियों को अच्छे से सफ़र का आनंद आ सके और कोई भूखा प्यासा न रहे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम मौजूद हैं, जहां जमियत उलमाए हिंद ने एकता का पैगाम देने की पूरे मुल्क में कोशिश की है। कुछ लोग और स्काउट के बच्चे हमारे साथ जमियत उलमाए हिंद के मौजूद हैं, जहां एक पैगाम देने की कोशिश की गई। तो जो ये प्रोग्राम था, देश में नफरत जो फैलाई जा रही है मॉब लिंचिंग के नाम पर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्योंकि आए दिन दाढ़ी टोपी देख करके आइडेंटिफाई किया जाता है और मारा पीटा जाता है और जबरन जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। भाई, हिंदुस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है और इसमें सबको रहने का हक हासिल है और इसकी आज़ादी में सभी लोगों ने हिस्सा लिया और मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। 1757 से 1857 तक मुसलमान अकेले लड़ा और उसके बाद जब मुकम्मल कामयाबी नहीं हुई तो और लोगों को भी साथ लेकर लड़ा और इस मुल्क को आज़ाद कराया। इसलिए इस मुल्क में सबको रहने और बसने और अपना अपना पूरा हक हासिल करने का हक है। किसी भी मज़हब को दूसरे मज़हब के मानने वाले पर थोपना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अखलाकन भी बुरा है और कानूनन भी बुरा है। तो देश में नफरत फैलाया जा रहा है और एक एकता का पैगाम यहाँ से देने की कोशिश की गई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि धर्म कोई भी हो, कोई भी मज़हब या धर्म, ये नहीं कहता कि किसी के धर्म से ताल्लुक़ रखता हो कि उसको तकलीफ़ पहुँचे, उसको मारे कि भाई ये इस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई भी मज़हब नहीं सिखाता है। तो जमियत उलमाए हिंद के स्काउट के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मुसलसल ये बताया जाता था कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता, मुसलमान पढ़ने से पीछे भागता है और जब पढ़ने की कोशिश करता है तो जौहर अली यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। जौहर अली यूनिवर्सिटी के लिए आज जमियत के मंच से भी एक पैगाम मौलाना अरशद मदनी साहब ने दिया है, जिसको लेकर के इन बच्चों से ही जानेंगे कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो रोका जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर देखिए, पढ़ने का जहाँ तक सवाल है तो पढ़ाई तो सबको के लिए ज़रूरी है, वो हिंदू हो या मुसलमान, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान के लिए ज़रूरी है या हिंदी के लिए ज़रूरी है। और इससे अलग एक बात और है सर, जो अभी जौहर यूनिवर्सिटी में हुआ, देखिए यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू भी और मुसलमान सब एजुकेशन। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी है कि भाई मदरसा होता है तो मदरसे के लिए यह है कि सिर्फ उसको धार्मिक होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो धार्मिक नहीं होती, वो सबके लिए होती है। तो अगर एक चीज़ को टारगेट किया गया कि भाई सिर्फ मुसलमान, कि उसका ओनर मुसलमान है, सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया तो गलत। अगर सबका मान है, मान सम्मान है, सबको एक साथ लेकर ये सरकार चलना चाहती है और सब लोग चलना चाहते हैं, तो उनका काम ये था कि सबको साथ लेकर चलते, लेकिन ऐसा नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहूँगा, जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है ये खिदमत मिल्लत के लिए है, खिदमत के लिए है, पूरे भारत की खिदमत के लिए है। अभी कांवड़ यात्रा में हमने खिदमत किया है, बहुत अच्छा, बच्चों ने अपने ऊपर से भी खर्च किया है ताकि कांवड़ यात्रा साथियों को अच्छे से सफ़र का आनंद आ सके और कोई भूखा प्यासा न रहे। और यहाँ पर हम जैसे दिल्ली में आए हैं, यहाँ पर भी हमने बहुत खिदमत की, ट्रैफिक के लिए बाहर से आदमी आ जा रहे हैं, दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, उनके भी लिए बहुत अच्छा काम किया हमने और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे सभी के लिए। पर मेरा सवाल यहाँ ये है कि मदरसों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जमियत उलमा हिंद दारुल उलूम देवबंद में भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी लगातार चर्चाओं में बना करके रखा जाता है और जौहर अली यूनिवर्सिटी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि उसे बनाने वाले आजम खान है। तो ये भी कहा जाता है कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता और जब पढ़ना चाहता है तो शिक्षा संस्थानों को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसके बारे में? इसके बारे में कुछ नहीं, यही है कि जितने मुसलमान हैं वो दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हासिल करते हैं और जो है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी धर्म को इजाज़त है पढ़ने की, पढ़ें और ये नहीं कि मुसलमान पीछे हटते हैं किसी से, तो उनसे यही है कि वो बहुत अच्छे से तालीम हासिल करें।
अभी मदरसे में जिस तरीके की कार्रवाई की गई, बजरंग दल ने एक चिट्ठी लिखी योगी आदित्यनाथ जी को, और योगी आदित्यनाथ जी ने बिना सोचे समझे अपनी पुलिस फोर्स भेज दी और बताया गया कि हेलीपैड बनाया जा रहा है जो अवैध निर्माण है। क्या कहेंगे इस छापेमारी को लेकर के? देखिए, ये तो होता आया है और होता रहेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इस देश के लिए हम हर तरह समानता का और स्वतंत्रता का, सब तरह का विश्वास सभी को दिलाएंगे। जो भी आपने देखा है छापेमारी हुई है, ये लोग करते रहेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई सबूत उनको नहीं मिला। जैसा भी है वो एक क्या लाइब्रेरी बन रही है, वहाँ पे सभी धर्मों की पुस्तकें होंगी, कोई अध्ययन कर सकता है जाके, यानी कि सब धर्मों के बारे में जानकारी ले सकता है। तो यूनिवर्सिटी जो है दारुलूम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया के अतबार से देखा जाए इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, और उसमें सभी धर्म के लोग आते जाते भी हैं, घूमते भी हैं, मना किसी को नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर पूछ सकता है अपने धर्म से जुड़ी हुई, मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई, वो सब अच्छे तरह से बताते हैं, पूरी वहक्य के साथ बताते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अभी एक आखिरी सवाल मेरा आप सभी से है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त को योगी जी का फरमान होता है कि मदरसे में सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए और देखा जाए कि कहां राष्ट्रगान गाया जाता है, कहां नहीं गाया जाता है, किनके हाथों में तिरंगा है, किनके हाथों में तिरंगा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे जो मदरसों को लेकर के एक लगातार सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जा रही है? ये फोटोग्राफी जो हमारे, हम तो पहले से ही झंडा फहराते हैं, तो आज की नई बात नहीं है। अगर योगी जी कह रहे हैं तो जब से मुल्क आज़ाद हुआ है मदरसों के अंदर झंडा फहराया जाता है, और इसी तरीके से ये प्रोग्राम पहले से ही होते आए हैं। फोटोग्राफी भी होती है और होती रहेगी, पर वीडियोग्राफी के जरिए तो वो देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं ना कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में, देशभक्ति के आप साबित करने की जरूरत है मुसलमानों को? खास तौर पर कोई जरूरत नहीं, मुसलमान तो खुद इस देश को जो है चूज किया है, बाय चॉइस इंडियन है, चाइनीज इंडियन नहीं। क्या कहेंगे जो ये एक सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जाती है? देखिए, जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, क्या जब से उससे पहले सरकारें नहीं थी? सवाल ये भी है कि उससे पहले अगर सरकारें थी और मदरसों के अंदर तिरंगा नहीं होता था तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? आज ही ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है? और सर रहा इस बात का सवाल कि हम ये लिखकर दें कि हम देशभक्त हैं, तो ये तो अगर हम लिखकर भी दे दें, जान कुर्बान भी करके दे दें, तब भी वो लोग नहीं मानेंगे। देखिए, वीडियो का जो जहाँ तक का सवाल है, कोई एक योगी को नहीं भेज सकते वीडियो, कि योगी की कोई नंबर है हमारे पास, वीडियो भेजिए। अगर योगी चाहते हैं हमारे तिरंगे को आगे, कि हमारे मदरसे में तिरंगा होता है नहीं, आके खुद देखें, हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कराते हैं अपने मदरसों में। जहाँ तक का सवाल है जैसे डांस वांस है, वो नहीं कराते हम, ये मदरसा का सवाल है, हमारे जो है अपनी मुस्लिम एकता का सवाल है, उसमें हम जो भी चीज़ें होती हैं, वो देशभक्ति तराना हो, किसी देशभक्ति नेता के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, हम बहुत अच्छे से करते हैं। अगर योगी साहब को देखना है तो आके देखें, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मदरसों को लेकर के जिस तरीके की कार्रवाई की जाती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहना तो यही है कि असल जो मदरसों में झंडा फहराया जाता है, वो जब से देश आज़ाद हुआ है वो जब से ही फहराया जाता है, और ये देखना चाहते हैं कि ये देशभक्ति कहाँ तक है और करते रहे। तो जमीयत उलमाए हिंद के स्काउट के बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमें देशभक्ति किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, देशभक्ति का जुनून हमारे सीनों में है और देशभक्ति हमारे रगों में ऐसे ही रहती है जैसे आम इंसानों के दिल में रहती है। वीडियोग्राफी से देशभक्ति साबित नहीं हो सकती, जब वक्त आएगा तो देशभक्ति का कितना बड़ा सबूत ये बच्चे दे सकते हैं, देश का मुसलमान दे सकता है, ये दिखाने को जब वक्त आएगा तो दिखा दिया जाएगा। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज़ पर।